नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए छत्तीसगढ़ सरकार अग्नि वीरों को विशेष आरक्षण देगी। आर्मी से सेवा के बाद ये जवान प्रदेश सरकार की अलग अलग फोर्सों में भर्ती हो पाएंगे। विधानसभा में इसका ऐलान खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। उन्होंने बताया कि अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में किए गए युवाओं को इस आरक्षण का सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनकी सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें आरक्षण देगी। यह आरक्षण पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। इसके लिए एक निश्चित आरक्षण का दिशा निर्देश जल्द जारी हो जाएगा। जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। आकाश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। आकाश, मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अग्निवीर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी बयान जारी करते हुए ये बताया कि जो अग्निवीर है 4 साल की सेवा देंगे, उसके बाद उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पुलिस बल, वन रक्षक और भी जो वन प्रहरी और तमाम जो पुलिस बल से जुड़े जो विभाग हैं उसमें उन्हें आरक्षण दिया जाएगा एक तरीके से। इसके लिए दिशा निर्देश जारी होगा। हालांकि ये बड़ा बयान हो गया है क्योंकि लगातार केंद्र सरकार इस योजना को आगे बढ़ाते रही है और विपक्ष जो है सवाल ये उठाता रहा है कि 4 साल बाद उनके भविष्य का क्या होगा। तो ऐसे में राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला इस पर लिया है और हमारे साथ मौजूद हैं विधायक अनुज शर्मा, उनसे सीधे बात करेंगे। जो अग्निवीर को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिशा निर्देश जारी किया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? मैं सबसे पहले तो कारगिल के वीर शहीदों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया उनके आज विजय दिवस के अवसर पर उनको शत शत नमन करता हूं और छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके चरणों में ये समर्पित किया है ये फैसला कि आज विजय दिवस है और विजय दिवस के दिन ऐसे वीर सपूतों को जो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भारत की सेना के लिए तैयार हैं, ऐसे अग्निवीरों को यहाँ की नौकरियों में, चाहे वो पुलिस बल के लिए हो या जेल के लिए हो या वन बल के लिए हो, इसके लिए जो लोग हैं उनको प्राथमिकता देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसका तो हर जगह स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और हमेशा ऐसा करते आई है। जब भी कोई बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है उसके खिलाफ खड़ी हुई है। एक तरीके से लगातार कहा जाता रहा कि युवाओं का भविष्य 4 साल में क्या होगा, उनका भविष्य अधर में है। विपक्ष इस योजना को लेकर लगातार सदन में हुआ, बाकी जगह विरोध करते हुए आई है और एक बड़ा दिशा निर्देश जो राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाला है उनके भविष्य सुरक्षित करने को लेकर फैसला होने वाला है। कांग्रेस युवाओं को डराना चाहती है अब उनके भविष्य को लेकर। वो नहीं चाहती है कि जो अग्निवीर आ रहे हैं उनका भविष्य अच्छा हो। हमारी सरकार ने तय किया है कि राष्ट्र की सेवा करके जो लोग आए हैं उनको हमारे यहाँ की नौकरियों में प्राथमिकता मिले। इसका तो यानी संवेद स्वर में स्वागत किया जाना चाहिए कांग्रेस के द्वारा भी। जी, ये अनुज शर्मा जी थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक तरीके से युवाओं के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष भले ही राजनीति कर रही है इस पर, लेकिन आने वाले समय में जो अग्निवीर जा रहे हैं देश की सेवा करने के लिए 4 साल बाद, उस वो जब राज्य सेवा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी नौकरियों में, तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा फैसला है साय सरकार का। जी बिल्कुल आकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबर पर आपसे जानकारी हम लेने वाले हैं। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की गई। मार्च 2022 तक के लिए तैयार ऑडिट रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में गंभीर खामियों को उजागर किया गया।
2016 से 2022 के बीच सीजीएमएससी ने 3,753 करोड़ रुपए की दवा अन्य सामान खरीदे, लेकिन इसमें भारी अनियमितताएं की गई। जिन कंपनियों ने घटिया दवा की सप्लाई की उनसे क्वालिटी वाली दवा तक नहीं मंगवाई गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 24 करोड़ की दवाएं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से भी खरीद ली गई। कोविड के दौरान बिना अनुशंसा 23 करोड़ रुपए की दवा खरीदी गई। 838 स्वास्थ्य संस्थाओं के पास अपना भवन भी नहीं है। 42 CHC में ब्लड बैंक नहीं। इसके अलावा कई सारी खामियां हैं, बिस्तर की उपलब्धता की कमी पाई गई। ये सारी कमियां कैग रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कही गई। आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, कैग की रिपोर्ट पेश हो गई, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, कैग की रिपोर्ट जो है आज सदन में रखा गया, सदन की पटल में, और रखने के बाद जो चीजें सामने आई, जो बिंदु सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2016 से 2022 तक की ये रिपोर्ट है जिसमें दवा खरीदी में अनियमितता पाई गई है, टेंडर प्रक्रियाओं को लेकर अनियमितता पाई गई है, करोड़ों रुपए के जो दवा है वो अमानक पाए गए हैं, साथ ही जो एक्सपायरी डेट की दवा पर भी सवाल उठाए गए। तमाम जो प्रक्रियाएं हैं दवा खरीदी को लेकर उसमें बड़ी एक गड़बड़ी की बात आई है। 3700 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है, और एक तरीके से चौंकाने वाला खुलासा है कि सीजीएमएससी, जब सीजीएमएससी का गठन किया गया था, ये व्यवस्था के तहत किया गया था कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त होंगी, दवा खरीदी में, उपकरण खरीदी में, और तमाम जो चिकित्सकीय उपकरण है उसके खरीदी में एक तरीके से सरलीकरण होगा। लेकिन जिस दिशा में विभाग बढ़ रहा है, सच में ये गंभीर विषय है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इससे पहले ही कल सदन में ये मामला उठा था दवा खरीदी को लेकर, धर्मलाल कौशिक जी ने इस मामले को उठाया था और तमाम तरीके से गड़बड़ियों को इसमें उजागर किया गया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लेते हुए आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जो समिति गठित की है, जिन्हें 3 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करना होगा। ऐसे तमाम जो अनियमितता के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और ये विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पे जो है वो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। ये जितनी भी दवाएं खरीदी होती है वो बड़े मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम PSC CSC में जाता है, लोगों को ये दवाएं मिलती है। ऐसे में गुणवत्ता के पैमाने पर खरा ना उतरना या घटिया दवाएं खरीदना, जरूरत से ज्यादा दवाओं की आपूर्ति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। इधर हाईकोर्ट से परिसीमन पर रोक के बाद सियासत जारी है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्षदों की बैठक हुई। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और परिसीमन पर राजनीति के आरोप लगाए। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस ने 2014 में जातिवाद क्षेत्रवाद के आधार पर परिसीमन कराया, कांग्रेस ने निकाय में अध्यक्ष और महापौर की प्रक्रिया को बदल दिया। परिसीमन पर हाईकोर्ट की रोक लगाने पर केदार गुप्ता ने कहा कि शासन और प्रशासन मिलकर इसका हल ढूंढेंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि परिसीमन जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वार्डों में उनके हिसाब से परिसीमन किया जा रहा था, जो निहायत ही गलत था, क्योंकि परिसीमन जो है हर 5 साल में नहीं होते, 10 साल में होते हैं। जिस तरह जनगणना 10 साल में होता है, वैसे ही परिसीमन भी जनगणना के आधार पर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को राजनीति से जोड़कर देख रही थी और अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए परिसीमन कर रही थी, जिसको हाई कोर्ट ने 2011 की जनगणना के हिसाब से 2014 में परिसीमन हो चुका था, पर जब भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार आई तो अपने फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, क्षेत्रवाद और जातिवाद के आधार पर फिर से परिसीमन कर दिया। और खाली परिसीमन क्षेत्रवाद जातिवाद के हिसाब से नहीं किया, बल्कि निकाय में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव की प्रक्रिया को भी बदल दिया। एक पार्षद को बहुमत के आधार पर, खरीदी बिक्री के आधार पर अध्यक्ष और महापौर का चुनाव का अधिकार दे दिया। तो निश्चित रूप से इससे युक्त कारण दिखाई पड़ता है कि फिर से इसका परिसीमन होना चाहिए, और माननीय हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। शासन प्रशासन अपना पक्ष रखेगा और आग्रह करेगा कि ये परिसीमन पहले क्षेत्रवाद जातिवाद के हिसाब से है, राजनीतिक लाभ से कांग्रेस ने किया है, इसलिए इसका युक्तिकरण करने के लिए फिर से इसका परिसीमन आवश्यक है। बिलासपुर में मलेरिया का कहर जारी है। इलाज के दौरान एक शख्स की फिर से मौत हो गई। सिम्स में इलाज के दौरान इस शख्स ने दम तोड़ दिया। कोटा स्वास्थ्य केंद्र से उसे रेफर किया गया था। स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मच गया। मलेरिया से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी।
उमेश मौर्य हमारे संवाददाता बिलासपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उमेश, मलेरिया की स्थिति पर ताजा जानकारी। देखिए, ये जो मृतक है वो कोटा कोंचरा का रहने वाला था। इसकी तबीयत कल बिगड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है कोटा वहां पर एडमिट किया गया था प्रभु खुसरे। उसकी जब हालत बिगड़ी तो उसे तत्काल सिंह से रेफर किया गया था, जहां उसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। पूरे मौत के बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आप बता दूं कि बिलासपुर जिले में लगभग इस पूरे मामले में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि इसे अन्य बीमारियां भी थी और मौत का जो वजह है वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कोटा का जो क्षेत्र है 54 जो सेंसिटिव गांव घोषित किए गए, वहां पर लगातार मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। 89 मरीज अब तक के मिल चुके हैं। इसके साथ ही 4 लोगों की पहले मौत हो चुकी है, आज जो है वो 5वीं मौत हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जो है वो वहां पर मौके पर मौजूद है, कैंप लगाकर जो है मरीजों की पहचान की जा रही है और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा मामला निकल कर ये सामने आया कि आज भी इलाज के दौरान एक प्रभु खुसरे जो आदिवासी है, वो कोंचरा इलाके का रहने वाला था, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बात जशपुर की करेंगे, जहां पर मवेशी तस्करों पर एक्शन लिया गया और इस मामले में 6 मवेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 22 मवेशी छुड़वाए गए हैं। पुलिस ने मवेशी तस्करों का जुलूस भी निकालने का काम किया। रायपुर में रेलवे स्टेशन पर अमानवीयता की तस्वीर सामने आई, जहां एक युवक को बांधकर पूरे प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया और पुलिस चुपचाप सब कुछ देखती रही। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर ठेले वालों ने बिस्किट का पैकेट चोरी करने पर एक युवक को पकड़ा और उसे बेरहमी से डंडों से पहले पीटा गया, बाद में उसे बांधकर पूरे प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया। इस दौरान आरपीएफ के जवान मूक दर्शक बने रहे। जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है और 4 आरोपी अब गिरफ्तार किए गए। एक युवक रात में कैंटीन के कुछ हरकत किया था, जिसमें कैंटीन के कुछ कर्मचारी जो है वो काफ़ी बता रहे हैं कि काफ़ी नशे में था आने के लिए उसने, इसलिए उनके पैर को बांध करके हरकत किए हैं। उस मामले में जांच चल रही है, जैसा भी होगा। रायपुर में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। ड्राइवर ने कार से पुलिस लाइन पेट्रोल पंप से पुरानी बस्ती तक कई लोगों को टक्कर मारी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। कार में युवक और युवती दोनों सवार थे। पश्चिम वाला घुमाए पर लेगी से तो कार वाला का पूरा घसीटा पूरा ठोक दी और गिरे। एक बार कार वाला देखी तो भाग गई, तो मैं पश्चिम आने की दूर में चलेगी तो सफेद कार वाला है वो ठोक के भागे, उठी से तो भाग गई चलेगी। कई आदमी चोट आई से? मोर बेटा लगे है, मोर गुड़िया लगे है, मोर पति के ज्यादा लगे। कहाँ है भर्ती? अभी एडमिट है, सुरेंद्र शुक्ला है भर्ती। अच्छा, बोला छोड़ के भी पैसा की इंतजाम करे बस जा। राजधानी रायपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पोंचो गाड़ी में एक युवक युवती सवार थे और कार जो रोहन नाग है वो कार चला रहा था और बड़ी लापरवाही तरीके से गाड़ी चला रहा था और उसके बाद लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को कार से ठोकर मारते हुए जो हिट एंड रन का मामला सामने आया है और आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन कोतवाली पुलिस को जैसे ही सूचना मिली घेराबंदी करके दबोचा है। युवती को डिटेन किया गया है और आरोपी जो रोहन नाग है उसे गिरफ्तार करके पूरे मामले की जांच की जा रही है। 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
वहीं दुर्ग की बात करेंगे। व्यापारी का लाखों का सोना पार हो गया। सुपेला के लक्ष्मी मार्केट में वारदात हुई है। गाड़ी से चोरों ने पूरा सोना उड़ा लिया, गाड़ी भी चोरी कर ली। सीसीटीवी की जांच अब पुलिस करने में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश पुलिस करने में लगी।